उन दोनों टीम्स के बीच में जो ये दो खिलाड़ी फंसे हैं वो बहुत ज्यादा दिक्कतों में फंसे गए, बट रफ्तार को डाउन किया, रौनक भी नॉक हो जाएंगे वहां पे, धीरे धीरे करके एलजी वो दिक्कतों में आती हुई। टीम आरू गेमिंग अभी तक वो मुकाबला समाप्त उन्होंने किया नहीं है। वेरॉन वो ग्रेनेड बहुत ज्यादा शानदार था, जहां पर एलजी ऑफिशियल के एक खिलाड़ी को डाउन किया, वेरॉन वो उठे दूसरे को डाउन किया, एक और ग्रेनेड और शायद वहां पर एक और खिलाड़ी डाउन किया जा सकता है। उन्होंने डाउन किया, डायनेसिस एचपी कम है, हील करने की जरूरत। और अब हब वर्सेस आरू वर्सेस एलजी ऑफिशियल, उनकी जो फाइट है वो चलती हुई दिखाई देगी। क्रैक्स उन्होंने वेरॉन को देख लिया, थोड़ी सी ज्यादा हो सकती है पर प्राइम वो तैयार रहेंगे, काफी ज्यादा कहावत हो गई पर प्राइम, हालांकि वो अभी भी सर्कल के बाहर है और सर्कल के बाहर ही वो खिलाड़ी यहाँ पर समाप्त हो गए, लाइट के द्वारा प्राइम स्पॉट किए गए। पर इन सब के बीच में दिख रही जहाँ हर वो टीम जो एज पे बैठी है वो एंट्री ले रही है और उनके कंफर्मेशन आ रहे हैं। यूनाइटेड सोल आगे बढ़ने की ये क्या कोशिश है, हम ओपन में इस तरीके से नहीं गाड़ी रोक सकते, बट स्टिल वो कनेक्शन आते देखेंगे। आतंकी वो आखिरी खिलाड़ी, एक आखिरी उम्मीद है अपनी टीम की, आतंकी कुछ बढ़िया कुछ बेहतर करना पड़ेगा। शुरुआत की है, प्रिंस को डाउन किया, साथ के साथ पूरी स्क्वाड पुश करेगी आतंकी, उनका भी समापन। और इसी अब दो मात्र टीमें आपको बची दिखेंगी और यहां पर देखना है कि क्या 4v4 की जो बैटल है वो किसके पास, K9 के पास जाएगी या फिर यूनाइटेड सोल के पास, क्योंकि K9 वो पुश के लिए तैयार हो चुके हैं। बहुत ज्यादा मुश्किलात होने वाली है, ग्रेनेड और यूनाइटेड सोल वहां पर फटते हुए दिखाई देंगे। ग्रेनेड का इस्तेमाल किया गया, जैप के थोड़ा गाड़ी ब्लास्ट हुई, प्रिंस वहां पर डाउन कर देंगे, दो खिलाड़ी सामने मौजूद रहेंगे यूनाइटेड सोल के, वहां पर डैमेज दिया जाएगा। मोलोटोव का भी बढ़िया इस्तेमाल किया गया, वो आखिरी खिलाड़ी मौजूद था, मोलोटोव को उन्होंने चकमा दिया, वो ऊपर आए, जैप को डाउन कर दिया गया, ड्रीम्स वहां पर मौजूद है पर नहीं। गेट की स्क्वाड भी ओपन में आ रही है, स्मूथ के थ्रू ट्रैवल करने की कोशिश, स्पॉट किया, स्प्रे किया, डाउन किया, लेकिन लूसिफर ने देखा और लीजिए समापन भी आपको आता दिखेगा। और साथ ही साथ अब टीम फेथ को देखिए, क्या बढ़िया रीड हमें उनकी देखने को मिल रही है। जैसे ही उन्होंने वो गनशॉट सुने इंस्टेंटली वो पोशन करते हुए नजर भी आने वाले हैं, लेकिन वो एक ग्रेनेड फेथ के ही खिलाड़ी का था जो उनको डाउन करता हुआ नजर आएगा। और अब देखते ही देखते टीम फेथ की बात, एंड अब तो जानते हैं कि दोनों भी खिलाड़ी कहां पे मौजूद हैं एंकी। जी हां, बट साथ ही साथ टीम साइक वो बहुत ही ज्यादा ओपन में पुश करते हुए नजर आए। टीम हाइपरएक्स लेजेंड की बात करें, वो एक प्लेयर व्हीकल लेकर के आगे जा रहा था, उनको वहां पे टेक डाउन किया जाएगा। और अब मात्र एक ही खिलाड़ी बचते हैं ESCN के, और एक 1v3 की सिचुएशन उनके सामने रहने वाली है। कैकरोट वो आगे जा रहे हैं, वो पोजीशन बताना चाहते हैं, बट ये लीजिए 1v1 के वो डुअल में उन्होंने एक इंपॉर्टेंट नॉक निकाला और अब एक 1v1 की वो बैटल बचने वाली है, वो फिनिश उनको निकालना पड़ेगा। बट शायन की अगर हम बात करें, वो आगे जा रहे हैं, 8 फिनिशेस वो निकाल चुके, स्ट्राइकर उनके सामने मौजूद। एक बार फिर से एक अंडर गॉड वर्सेस एक्सपीरियंस की फाइट हमें देखने को मिलेगी, बेहतरीन वो स्प्रे आएगा, फिनिशेस सिक्योर किए जाएंगे शायन के द्वारा। बहुत ज्यादा लो ऑन एचपी पे हमें स्ट्राइकर देखने को मिल रहे हैं, आगे उनको बढ़ना पड़ेगा, वेपन में उतने ज्यादा बुलेट्स उनके है नहीं, रिलोड पे वो जाएंगे, वेपन स्विच किया, स्पॉट किया, डाउन किया, डाउन किया, बर्निक्स एंगल्स काफी दिक्कत भैया, लीजिए व्हीकल ब्लास्ट और साथ के साथ कंफर्मेशन, गोकू वो कोई भी मौका नहीं छोड़ेंगे, कैकरोट उनके द्वारा भी वो कनेक्शन, वो आखिरी खिलाड़ी ओपन में आने की गलती की और साथ ही साथ गोकू एंड द बॉयज एक बेहतरीन प्ले चलता हुआ, आखिरी टीम बची है बर्निक्स की और वो आखिरी खिलाड़ी, समापन उनका भी। और एक पेड़ का इस्तेमाल किया जाएगा, वोल्केनिक के खिलाड़ियों को देख लिया गया और देखते ही देखते उन्होंने दोनों खिलाड़ी को समाप्त कर दिया। भले यहां से वो प्लेसमेंट पॉइंट लेकर ना जा पाए पर दो फिनिशेस और एक एक्स्ट्रा प्लेसमेंट पॉइंट तो वो लेकर गए। किलिंग्स थोड़ी सी वहां पर थ्रो करी गई आर्यन के लिए मैक्सिमस के द्वारा, पर एक और ग्रेनेड, क्या ये ग्रेनेड है, क्या वो मोलोटोव जी नहीं, वो स्टन था, आर्यन अभी भी वहां पर रुक सकते हैं, पर CS वो स्टन का उन्होंने कुछ खास इस्तेमाल किया नहीं। पर इन सबके बीच में नूबी वो थोड़ा सा आगे बढ़े,